ऐसे मैंने बहुत सारे YouTube चैनल देखे हैं, लोग YouTube चैनल तो बना लेते हैं, वीडियो भी अपलोड करते हैं, लेकिन उस YouTube चैनल में कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है जो वो लोग नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उनका चैनल की रीच भी नहीं बढ़ता है और उनका चैनल किसी के सामने भी नहीं आता है, तो सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते हैं, तो पैसा वो खाक कमाएंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग जो हम अपने चैनल पर करते हैं, वो आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से करोगे और किस तरीके से नहीं करोगे, ठीक है दोस्तों। वो भी मैं आपको मोबाइल में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होता है, लैपटॉप नहीं होता है, अधिकतम लोगों के पास मोबाइल होता है, इसीलिए मैं आपको मोबाइल में बताने वाला हूं, ताकि आपको समझने में और देखने में आसानी हो, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, एक भी स्टेप मिस ना होने पाए। उसके लिए आपको सबसे पहले आना है अपने क्रोम ब्राउजर में। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल को इसमें लॉगिन कर लेना है, ओपन कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में दिख रहा होगा सेटिंग वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपको भी दिख जाएगा, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर जर्नल दिखेगा, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिफॉल्ट यूनिट, तो यहाँ पर ये करेंसी है। अगर आप इंडियन करेंसी में देखना चाहते हो अपने रुपीज को तो इंडियन करेंसी कर सकते हो, अगर आप यूएस डॉलर में देखना चाहते हो तो यूएस डॉलर कर सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है चैनल, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग करना होगा जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले यहाँ पर अपना कंट्री को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, अगर यहाँ पर नहीं होया हुआ है, अगर होया हुआ है तो अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर आना है कीवर्ड में, तो यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड लगा रखे हैं, जैसे कि शाहिद बरोज, हाउ टू मेक मनी, ठीक है ना, मेक मनी ऑनलाइन, YouTube से पैसा कैसे कमाए, मतलब ये मैंने वो चीज डाल रखा है जो मैं अपने चैनल पर करता हूँ। लेकिन आपका चैनल कुछ और टॉपिक पर होगा तो आपको वही कीवर्ड यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना, मतलब जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बनाते हो उस टॉपिक का जो कीवर्ड होता है वो आपको यहाँ पर कीवर्ड वाले सेक्शन में आकर के डाल देना है, ठीक है ना। कम से कम 500 वर्ड जो है ना यहाँ पर आ जाएंगे, तो वो कीवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है, और कुछ अपने मतलब कैटेगरी के जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं अच्छे खासे, उनको भी यहाँ पर डाल देना है, उनका नाम भी चैनल के यहाँ पर आपको डाल देना है बस। उसके बाद आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको कोई खास सेटिंग नहीं करना है, लेकिन बहुत ही खास सेटिंग करना है, ये भी आप समझ लो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, डू यू वांट टू सेट चैनल ए मोड फॉर किड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप जो वीडियो बनाते हो क्या वो बच्चे देख सकते हैं या नहीं, अगर बच्चे देख सकते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है, और अगर बच्चे नहीं देखते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है, बस इतना सा काम है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिक कैप्शन, अगर आपको अपनी वीडियो में ऑटोमेटिक कैप्शन चाहिए तो इस पर टिक मार देना है, और नहीं चाहिए तो अनटिक कर देना है, ठीक है ना। तो मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर टिक मार देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट, तो इसका मतलब यह होता है कि डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स, तो अगर मैं इस पर ओके कर देता हूँ तो हमारे चैनल पर जो एड्स आते हैं ना वो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं आएगा, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको डिसेबल नहीं करेंगे, ये तो बहुत काम की चीज है। उसके बाद यहाँ पर क्लिप्स वाला ऑप्शन पर आपको अलाउ कर देना है, इसका मतलब ये है कि क्या कोई व्यूवर आपके वीडियो में जो क्लिप्स होता है क्या उसको शेयर करके यूज कर सकता है, तो बिल्कुल यूज कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे उससे क्या दिक्कत है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है, नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज यूट्यूब अकाउंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको छोटा सा काम करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपको दो चीज मिलेंगे, आपको अगर एडवांस सेटिंग पर क्लिक करोगे तब मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेंगे यूजर आईडी और चैनल आईडी। इसका क्या मतलब होता है, देखो कभी हो सकता है कि आपके चैनल पर खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी हो गया, है ना, यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपको ये चैनल आईडी और यूजर आईडी लिख करके रख लेना है दूसरी जगह में, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट करके रख लो नोटपैड में, ताकि अगर कभी भी आप YouTube से संपर्क करोगे तो आपको ये चैनल आईडी और यूजर आईडी मांगेगा, तो आप यहां से दे देना। लेकिन अगर आप यहां पर नहीं रखते हो, कल को आपका चैनल डिलीट हो जाता है, अब उसको क्या दोगे, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं दोगे, इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है दोस्तों। चलो ये कहानी खत्म होगी, इसको मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फीचर वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे हम तो जैसे हम चैनल बनाएंगे तो ये ऊपर वाला जो स्टैंडर्ड फीचर है ये इनेबल रहेगा। उसके बाद ये जो नीचे आ रहा है यहाँ पर, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर लेना, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हो तो आप क्या क्या नहीं कर सकते हो,
15 मिनट की वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो, कस्टम थंबनेल नहीं लगा सकते हो, लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हो, और अगर कर लेते हो वेरीफाई तो आप ये सब कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एडवांस फीचर पर हम क्लिक करते हैं, तो ये मेरा होया हुआ है। यहाँ पर बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक मतलब इस पर क्लिक करके एक लिंक जाएगा आपके जीमेल पर, ठीक है ना। उस जीमेल पर जो है ना आपको क्यूआर कोड मिलेगा एक, उस क्यूआर कोड को किसी मोबाइल में पहले भेज लेना है। उसके बाद आप उसी मोबाइल से जिसमें आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसे स्कैन करना है, एक लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। अपने मोबाइल को अपने क्रोम को डेस्कटॉप साइट से हटा देना है। उसके बाद वहां पर आपको कैमरे का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके सेल्फी लेना है अच्छी तरीके से जिस तरीके से वो बोलेगा। उसके बाद वो जो सेल्फी होता है वो वहां पर अपलोड कर देना है गूगल को यूट्यूब को। उसके बाद ये इनेबल हो जाएगा 100%, ठीक है ना। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है, हो जाएगा। चलो ये वाला हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है चैनल वाला। अब हम क्या करते हैं, अपलोड डिफॉल्ट पर क्लिक करते हैं। अपलोड डिफॉल्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग आपको करना है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सेटिंग करते हो तो आपके लिए फायदा है, और नहीं करते हो तो आपके लिए नुकसान है। यहाँ पर देखो, अपलोड डिफॉल्ट में क्लिक करने का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर आप जो भी टाइटल लिखोगे तो जब भी आप वीडियो को अपलोड करोगे और उस वीडियो में आप टाइटल नहीं डालोगे फिलहाल के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये टाइटल वहां पर डल करके आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है चैनल डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो भी आप लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके हर वीडियो में लग करके आ जाएगा, अगर आप उस वीडियो को क्रोम से अपलोड करते हो। अगर आप उस वीडियो को यूट्यूब से अपलोड करते हो तो लिख करके नहीं आएगा, अगर आप क्रोम से अपलोड करते हो तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको डालना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब यही होता है। उसके बाद यहाँ पर विजिबिलिटी में क्लिक करके आपको यहाँ पर अनलिस्टेड कर लेना या प्राइवेट कर लेना है, पब्लिकली मत करना, ठीक है ना। क्योंकि जब भी आप वीडियो को अपलोड करते हो तो उसको हमेशा पब्लिक में मत करना, प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड में ही रखना, ताकि वो वीडियो अच्छी तरीके से अपलोड हो जाए, ताकि उसका क्वालिटी खराब ना हो। उसके बाद यहाँ पर आता है टैग। तो टैग में आप कुछ भी रेंडम डाल सकते हो, आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाल सकते हो, ठीक है ना, टेढ़े मेढ़े करके उसको घुमा फिरा करके कुछ कीवर्ड यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद इसका काम खत्म हो गया। एडवांस सेटिंग में हम क्लिक करते हैं। एडवांस सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको दिख जाएगा अलाउ ऑटोमेटिकली चैप्टर एंड की मोमेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल में चैप्टर वाइज वीडियो को अपलोड करते हो तो अगर आप इसको अलाउ करते हो तो ऑटोमेटिकली वहां पर लग करके आ जाएगा, अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो तो वहां पर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर लाइसेंस का नंबर आता है। तो लाइसेंस में आप अपने मतलब वीडियो को किस में रखना चाहते हो। अगर आप अपनी वीडियो को इस तरीके से दिखा रहे हो कि भाई मेरा वीडियो कोई भी यूज कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी कॉपीराइट नहीं दूंगा, तो आपको यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन पर क्लिक करना है। और अगर आपको लगता है कि मेरा यूट्यूब चैनल का वीडियो कोई भी यूज ना करे तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइसेंस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी में आना है। कैटेगरी में आने के बाद यहाँ पर आपको ये देखना है कि मेरा यूट्यूब चैनल किस चीज पर है, ठीक है ना। आप अपने यूट्यूब चैनल पर क्या बनाते हो, ठीक है ना, क्या लोगों को बताते हो। कॉमेडी बनाते हो तो कॉमेडी में, एजुकेशन का चैनल है एजुकेशन, अगर कोई हंसी मजाक कॉमेडी है तो एंटरटेनमेंट, मतलब ये सब चीज आप कर सकते हो। अगर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो आपको यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी रहने देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रख रखा है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर अलाउ कमेंट कर देना है, बस इसमें इतना सा काम है। उसके बाद यहाँ पर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं आएगा आप में, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज है इसीलिए यहाँ पर मोनेटाइजेशन का सेक्शन आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना, आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर परमिशन। तो परमिशन में कोई खास चीज नहीं है, परमिशन के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इसको जानना चाहते हो तो वहां से आप जान सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कम्युनिटी। कम्युनिटी में अगर हम क्लिक करते हैं तो अभी मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। ये देखो, ये जो आपको बंदे दिख रहे हैं ना, ये पता कौन लोग हैं? ये वही जो आप समझ गए बिना बोले, ये वही लोग हैं जो आपको गलत बोलेंगे, गलत कमेंट करेंगे, बिना फालतू की बातें करेंगे, ये वो लोग हैं। जैसे ही आप उनके कमेंट को ब्लॉक करोगे वो वसम महाशय यहाँ पर आके आराम फरमाएंगे, जिंदगी में कभी भी आपके यूट्यूब चैनल पर कमेंट नहीं कर पाएगा, आपको डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड लिखना है, कुछ ऐसा वर्ड गाली आपको लिख देना है, या फिर आप वीडियो अच्छा नहीं बनाते हो ऐसा कुछ लिख देना है। इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई बंदा आपके कमेंट बॉक्स में यह बोलेगा कि अबे तू क्या वीडियो बनाता है, तेरे से वीडियो बनाना नहीं आता है, तो ऐसा वर्ड अगर लिखेगा वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। आपको गाली लिखेगा ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सारे गंदे गंदे वर्ड आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे आना है, ब्लॉक लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। डिफॉल्ट में अगर हम क्लिक करते हैं तो डिफॉल्ट में कोई खास चीज नहीं है, यहाँ पर
अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अलाउ कमेंट, तो कमेंट तो सभी को करना है। जिसको कमेंट नहीं चाहिए उसको होल्ड ऑल कमेंट पर क्लिक कर देना है, और जिसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए उसको डिसेबल कमेंट पर क्लिक कर देना है, और जिसको चाहिए उसको अलाउ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। एग्रीमेंट पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस ये सब चीज करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करके अपने चैनल की सेटिंग को सेव कर लेना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल के इम्पोर्टेंट सेटिंग को कर सकते हो और अपने चैनल को मोनेटाइज भी करवा सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो और बूस्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, जो कि आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसीलिए अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो भाई को भी सपोर्ट करो और मुझे भी फॉलो कर लो। सिर्फ 97 ही लोग यहाँ पर है, कोई फॉलो करता नहीं है, क्योंकि मैं किसी को जल्दी से बताता नहीं हूँ, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना।